ये देखो साला, बंदे इलेक्ट्रिक पे बंदी लेके घूम रहे हैं और हम यहाँ स्पोर्ट्स बाइक लेके भी अकेले घूम रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फाइनली हम वापस एक और राइड पे आ गए, काफी लंबे समय बाद। बहुत लंबा टाइम लगा दिया हमने। पहले गाड़ी में डलवाएंगे थोड़ा सा पेट्रोल, फुल कर दो भैया। हाँ तो फ्रेंड, फाइनली हम निकल चुके हैं सागर के लिए। सागर से पहले हम जाएंगे आज भोपाल। भोपाल आज हमारा पहला स्टे रहेगा भोपाल में। भोपाल में ड्राइवर्स ऑफ भोपाल राइडिंग ग्रुप से मिलेंगे हम, वहाँ उनके साथ थोड़ा सा हैंग आउट करेंगे। उसके बाद हम वहाँ से पूरा जो हमारा राइडिंग ग्रुप्स रहेगा, सागर राइडर्स और ड्राइवर्स ऑफ भोपाल का, वो हम सब दोनों ग्रुप्स मिलकर जाएंगे सागर। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और वही ज्वाइन करने के लिए मैं जा रहा हूँ आज भोपाल। तो बिना टाइम गवाए बस राइड कंटिन्यू रखते हैं और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करते हैं। वैसे बहुत आराम से चलेंगे। ये देखो साला, बंदे इलेक्ट्रिक पे बंदी लेके घूम रहे हैं और हम यहाँ स्पोर्ट्स बाइक लेके भी अकेले घूम रहे हैं। आगे सफ़र बढ़ाते हैं। देखिए पूरी सड़क गीली हो गई, अब नॉर्मल स्पीड में भी नहीं चल सकते हम, हमको स्लो ही चलना पड़ेगा। बाप रे, कितना कीचड़ हो गया यार पूरे रास्ते पे। फाइनली मैं अभी यहाँ पर रुका हूँ, देवास भोपाल हाईवे पर। और मतलब मैं रुका भी क्यों हूँ, क्योंकि ये जो गाड़ी पे जो गंदगी हुई है ना बारिश के कारण, इसको थोड़ा साफ़ करना है। और मेरे पैरों पे से ले के भैया देखो क्या हालत हो गई है, नए के नए सब आइटम था। और मेरे वाइज़र पे भी देखिए धूल ही धूल लगी हुई है, तो इनको साफ़ करना है। और थोड़ा सा मतलब पानी ब्रेक भी ले लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी चढ़ा लेते हैं। स्कूल बस में सब अच्छे हाथ हिला रहे हैं मुझे देख कर। बाय बाय भाई साहब, भाई साहब बारिश तेज हो गई और कहाँ छुपू मैं, जगह ही नहीं है। वहाँ वहाँ चलते हैं, वहाँ वहाँ। अरे यार वहाँ पे भी छुपने की जगह नहीं है, वहाँ गाड़ी कैसे छुपाऊंगा मैं चाहता हूँ गाड़ी भी गीली ना हो। गाड़ी पे सामान बंधा हुआ है, अभी पूरा सामान खोलना पड़ जाएगा। भाई साहब यहाँ पर फिर से बरसात हो गई है बहुत तेज, तो हम यहाँ पे रुक गए हैं हाईवे पर ही। ऐसे तो पता नहीं कब पहुँचेंगे हम, बहुत तेज इस बार बारिश हो गई है। 2000 years later. भाई साहब बारिश तो रुक गई है, लेकिन सही साइड चलने की कंडीशन में हम रहे नहीं हैं अभी। क्यों? क्योंकि ये देखो पूरी सड़कें गीली हो गई है और बूंदाबांदी वैसे चल रही है। आपको धूप भी दिख रही होगी लेकिन बूंदें टपक रही है टिप 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 टिप। भाई अभी मुझे यही समझ नहीं आ रहा है मेरे GoPro का क्या हाल है, मेरा क्या हाल है। जैसा कि आपको GoPro की स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरा धुंधला हो गया, वैसे ही मेरी जो हेलमेट का वाइजर है वो पूरा गीला हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जो गाड़ियाँ चल रही है ना, गाड़ियों पे से जो ये फॉग उड़ रहा है पूरा मेरे मुंह पे आ रहा है और मैं दूर चल रहा हूँ, दूर से भी आ रहा है। गीले होते जाओ पता नहीं अब कहाँ जाके छुपूँ यार। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा बारिश हुई है कि तूफान आया है। ओ भाई देखो पूरा ये उड़ के आया है और ट्रक पे गिर गया है। अब ये देखो यहाँ पर पेड़ गिर गया पूरा और पूरा रोड ब्लॉक हो गया। ओए मैं भी ठुका गया। ओ भाई 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 ये क्या है, तू भी गजब कर रहा है। भाई साहब मेरे को लग रहा है इस जन्म में तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा भैया भोपाल। अभी भी 60 किलोमीटर बचा है और बारिश के कारण मुझे फिर रुकना पड़ा है। करीबन आधा एक घंटा फिर वेस्ट हो गया मेरा यहाँ पर। कोई नहीं, अभी हल्की हुई है बारिश, अभी बारिश हल्की सी हुई है, हल्की हल्की हो गई है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और पहले तो कहीं रुकूंगा मैं, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी क्योंकि मुझे जूते उतारने पड़ेंगे क्योंकि जूतों में पानी भरा गया भाई साहब।
तो भाई ये रहा वीआईपी रोड का नज़ारा, अभी दिख नहीं रहा इस तरफ से, वरना लेक जो है बहुत ख़तरनाक लग रहा है भैया, ऐसा लग रहा है उफान पे है अभी। तो भाई साहब अभी हम रुक गए हैं राजा भोज की मूर्ति के सामने, देख पा रहे होंगे आप, और यहाँ पर रुक कर हम लगाते हैं हमारे साथियों को कॉल। तो ये रहे राजा भोज, और अब हम लगा रहे हैं सूरज भाई को कॉल, अब वो उठाते हैं या नहीं देखते हैं। इनका आधे घंटे से बिजी आ रहा है फोन। सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको छोटी सी जो है यहाँ की स्थिति समझा देता हूँ, जो सिचुएशन है कि बारिश के कारण सबके मटिया मेट हो गए हैं, और जो मेरे साथ वाले थे जो मतलब यहाँ पे भोपाल डेविल्स ऑफ भोपाल और सागर राइडर्स के जो भी बंदे थे, उनका दिन में आज इवेंट था, तो वो इवेंट मैनेज करके आ रहे थे, वो भी गीला हो चुके हैं, हम भी गीला हो चुके हैं। तो अभी हमने सब ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया है कि सब अपने अपने घर रहेंगे अभी, और हुआ तो मॉर्निंग में राइड पर ही डायरेक्ट मिलेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे रिलेटिव्स के घर पे, मेरे कज़न ब्रदर्स के घर पे, उनसे मिलने, और हुआ तो वहीं पर स्टे करूँगा, रहूँगा क्या वहीं स्टे करूँगा रात में। तो भैया फाइनली हम आ चुके हैं हमारे कज़न ब्रदर के घर। The next day. Hello, so good morning friends. कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स फाइनली हो गई है सुबह, वो तो होना ही थी, तो कीचड़ तो आप देख ही रहे हो बिल्कुल, क्योंकि कल है हो चुकी है भोपाल में बहुत तेज़ बारिश, और बहुत मुश्किल से मैं आया हूँ यहाँ पर। तो हमें जाना है पहले दिव्या जी से मिलने, और फिर हम जाएंगे सब मिलकर मीनल मॉल मनाली मॉल को क्या नाम है, मैं तीन बार भूल चुका हूँ उस मॉल का नाम, वहाँ से हमारा सब जो ग्रुप है राइडिंग ग्रुप वो पूरा निकलेगा सागर के लिए। तो हम जल्द से जल्द पहुँचते हैं दिव्या के पास। थैंक यू। मैं सीधे से टर्न ले लिया था मैंने, इन्होंने जो मुझे लोकेशन सेंड करी थी उसके हिसाब से उधर टर्न था, मुझे लगा इनके घर की होगी। अभी तक तो आप बता, अच्छा लग रहा है। मैं तो हूँ ही अच्छा हैंडसम सा। हाँ अरे सूरज भाई आ गए। सूरज दादा कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो अब मूतना मत मेरी गाड़ी पे, आपको भी लेने। ये देखिए सुंदर सी कन्या हमारे सामने, ओहो हो, ये हमारे साथ चलने वाली है और हमारी टीम को लीड करने वाली है, यू नो। या मैडम वीली करके दिखा दीजिए एक बार। अच्छा? वीली। जय भोलेनाथ।